political order in this discussion we are going to highlight the political order given by max weber because max weber's scheme uh, also highlights the discussion on the state and its mechanism because he described his political order which is categorized by struggle among various groups just like that in the सोसाइटी मैक्स वेबर का ये ख्याल है कि स्टेट के अंदर भी ऐसे ही मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान टसल जारी रहती है जैसे सोसाइटी में होती है यानी वो टसल किस लिए है कि किसके पास कौन से रिसोर्स होने चाहिए किसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे ही जो स्टेट में लोग इन्वॉल्व होते हैं जो स्टेट की वर्किंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशनस में इन्वॉल्व होते हैं यानी जो पोलिटिकल सिस्टम को रन करते हैं they also have their own objectives so the uh, political system or state institutions they do not come under the control of a single group or class because uh, there are some authoritative positions those affect the other social institutions and they have the emphasis on the democratic form of government स्पेसिफिकली विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप अब मिक्स वेबर की जो पूरी के पूरी जो फ़िलासफ़ी है रिगार्डिंग पॉलिटिकल ऑर्डर उसका ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो किसी सिंगल इंडिविजुअल की डोमिनेंस में नहीं चलता बल्कि पूरा सिस्टमेटिकली जो दायरा कार मतन है उसी दायरा कार के अंदर हर एक की के इतियार भी दिए हुए हैं उसके फ़्राइज भी दिए हुए हैं और सबको मिलजुल कर ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट करना है जो अल्टीमेटली मूव करे टुवर्ड्स तो अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम अब उस डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि किसी एक सिंगल क्लास या एक सिंगल ग्रुप को डोमिनेंस ना हो बल्कि इस पूरे निज़ाम के अंदर सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी हो और सब लोगों के लिए एकटीज़ हों टू वर्क Political leaders in Weber's political scheme are talented and responsible. Those those who have some kind of characteristics like that they can be elected by with the help of a popular election and uh, uh, through the elections some kind of leadership uh, it can emerge because then it, the leadership must have the uh, मस्ट हैव द फेवर ऑफ़ द पीपल मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्योंकि अगर कोई इलेक्शन से आएगा तो उसके पास उसकी बैक पर सपोर्ट होगी लोगों की और वो प्रॉपरली अपना काम करने की एबिलिटी भी रखता होगा और उसको ये यकीन भी होगा कि चूँकि लोग उसके साथ हैं तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकेगा दैन डेफिनेटली द स्टेट मशीनरी देट कंसट्स ऑफ मिलट्री पुलिस पार्लियामेंट जुडिशरी एंड सिविल सर्विसेज। अब इन सब के अंदर भी कहाँ से लोग आते हैं वो मुख्तलिफ क्लासेस से होते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुप से होते हैं और ये सब का सब का कॉम्पिटिशन भी चलता रहता है फॉर देयर अथॉरिटेटिव पोजिशन यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट मशीनरी में कॉम्पिटिशन नहीं होता लेकिन ये सब का सब पोलिटिकल ऑर्डर किस पर डिपेंडेंट है दैट हाउ द लीडर्स वॉन्ट टू रन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड द गमेंट सो द अथॉरिटेटिव पोजिशंस एंड द डिज़ायर टू ऑकोपाई द अथॉरिटेटिव पोजिशंस एट एक्चुअली यहाँ पर सिस्टम के अंदर समटाइम्स जो हैं वो क्लैशिज आते हैं या कॉन्ट्रोवर्सीज आती हैं बिकॉज स्टेट हैज दिजिटमेट पावर एंड विच कैन बी यूज वैन एवर द स्टेट नीड्स टू यूज दैट काइंड ऑफ पावर क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो टसल्स हैं वो चलती हैं और उन टसल्स के नतीजे में सम टाइम स्टेट मशीनरी में प्रॉब्लम्स आते हैं क्योस आता है लेकिन अगर एक पॉपुलर पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव लीडर होगा तो वो इन तमाम सिचुएशंस को और इश्यूज़ को मेंटेन करने की पोजीशन में भी होगा और उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो चीज़ों को प्रॉपरली स्मूथली जो है वो चला सके लेकिन अगर लीडरशिप के पास वो एबिलिटीज़ या स्किल्स नहीं होंगी तो फिर स्टेट मशीनरी के इन जो कॉन्ट्रोवर्सिज़ हैं जो अथॉरिटेटिव पोजिशन के लिए जो कॉन्ट्रोवर्सीज चलती हैं उसकी वजह से सारे का सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब भी होने के चांसेस जो हैं वो हमेशा रहते हैं